यहाँ पे आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि एसएससी एलडीसी में पूछा गया है, जो काफ़ी सिंपल एक क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि ए बी और सी कंप्लीट द पीस और वर्क, ये अगर अकेला काम करे तो उसको कितने दिन में काम कर रहा है, 24 दिन में। बी करे तो उसको कितने दिन में कर रहा है, 5 डेज में। सी कर रहा है तो कितना दिन में रह रहा है, 12 डेज में। तो तीनों का आप एलसीएम निकालिएगा तो 120 आएगा। तो यहाँ पर कितनी आ गई, यहाँ 5 120 आ गई, यहाँ पे 5 और 5, तो यहाँ पे कितनी है, कितनी एफिशिएंसी आ जाएगी इसकी, इसकी एफिशिएंसी 24 को वो 120 से भाग करिएगा तो 5 आ गई। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 24 आ गई। इसको एफिशिएंसी कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाए। कितना कितना आएगा, सी कितने दिन में, यहाँ पे 12 डेज में काम कर रहा है, 12 डेज में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये क्या होगी, इसकी एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी पर, एफिशिएंसी कितनी आ गई पर डे, तीनों मिलके काम करना है। टोटल टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क आ गया 120। टोटल वर्क 120, टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5 + 24 + 10, तो कितना आ गया, 120 डिवाइडेड बाय 39। कितना हो गया, 39। तो आप इसको कितने, किससे काटिए, 3 से काटिएगा तो 40 डिवाइडेड बाय 13 आ गया। तो कितना आ जाएगा, 13, तो कितना आ गया, 13। तो कितना आ गया, कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। टोटल ये क्या हो गया, टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना आ गया, 120। टोटल वर्क टू कंप्लीट टाइम, इन टाइम, इन टाइम में कितना हो गया, वो 30। यहाँ पे भी एक एक्सप्लेनेशन है इसमें डायरेक्ट, कितना हो गया, ए टोटल वर्क 120 निकाले, ए 24 में, बी 5 डे में, सी 12 डेज में। यहाँ पे हमने तीनों का एफिशिएंसी निकाल लिया, तीनों का एफिशिएंसी कितना आ गया, 39 आ गया। नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज इक्वल टू क्या होगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई टोटल एफिशिएंसी। नंबर ऑफ डे इक्वल टू टोटल वर्क बाई टोटल एफिशिएंसी, यहाँ से हमें डे निकल गया। ओके, थैंक यू।